गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज भी एक बहुत ही स्पेशल मैटर है, टॉपिक है बात करने के लिए, इसीलिए सामने आया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी वीडियो को सभी फायर एंड सेफ्टी के जितने ग्रुप्स हैं उन सभी में शेयर करें, और ये रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज आप सभी जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें एक बार शेयर कीजिए। क्योंकि अभी जो बोलने वाला हूँ ये इससे पहले फायर एंड सेफ्टी में किसी ने बोला नहीं है, और अगर मैं भी आज नहीं बोलूंगा तो आगे कोई नहीं बोलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां से शेयर नहीं कर सकता हर जगह, इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूं। साजिद खान सर, साजिद खान सर नमस्ते। बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे लाइव सेशन में आप जुड़े। और खान सर, मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आप जैसे महानुभाव ने यहाँ पे दर्शन दिए हैं, शामिल हुए हैं, हमें धन्य किया आप सभी ने। तो मेरी बात शुरू करता हूँ। फायर या सेफ्टी दोनों फील्ड में पिछले कई सालों से मैं जो एक दिक्कत सुनता आ रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स की भी और दुनिया भर के हजारों स्टूडेंट्स की मेरे सामने आई है, वो ये दिक्कत मुझे बताते हैं कि सर, हम इंटरव्यू देने गए, नॉलेज तो थी हमें, उनके जो सवाल थे उनका जवाब भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में बात कीजिए, इंग्लिश में बात कीजिए। सर, हमारे पास क्वालिफिकेशन भी थी, हमने डिप्लोमा डिग्री भी किया हुआ था, हमारे पास नॉलेज भी थी, उनके सवालों के जवाब भी थे, लेकिन हम फेल हो गए इसीलिए क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं बोलनी आई, क्योंकि हम उनके सवालों के जवाब अंग्रेजी में नहीं दे पाए। जब वो बच्चे दूसरे अपने क्लास फेलो को या अपने जूनियर को, दोस्तों को ये चीज जाके बोलते हैं कि यार अंग्रेजी की वजह से हमें फेल कर दिया गया, तो दूसरे बच्चों में भी दिमाग में चीज सेट हो जाती है कि इंटरव्यू मतलब एक बहुत बड़ा भूत है भाई, जाते ही हमें खा लेगा और उससे पार पाना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इंटरव्यू के नाम पे इतना बड़ा डर बना दिया गया है, इतना बड़ा भूत बना दिया गया है कि बच्चे उसके नजदीक जाना ही नहीं चाहते हैं। हजारों नहीं, शायद हो सकता है कि मतलब 10, 20, 30, 40 नहीं, 50,000 तक की संख्या ऐसी बच्चों की हो सकती है हमारे देश में जिनके पास डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट्स उन्होंने किया हुआ है, ट्रेनिंग ली हुई है, लेकिन वो कहीं इंटरव्यू देने नहीं जाते हैं। जहां गए एक दो जगह फेल हो गए, उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। और मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं फोन कॉल रिकॉर्ड नहीं करता हूं, वरना यहां पर रिकॉर्डिंग सुना सकता हूं, पर वो बच्चे बोलेंगे सर आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो कि हमारी आवाज सुना के लोगों को बता रहे हो। बच्चों को थोड़ी हीन भावना आती है, मैं इसलिए उनकी आवाज रिकॉर्डिंग यहां सुनाना बताना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी सुन के यार, इस तरीके की दिक्कत आती है। देखिए, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लाइव है, बहुत लोग बैठे हैं, देखते हैं, और मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठ के यहाँ बोल रहा हूँ जो मुझे पता है कि हजारों लोगों तक जा सकता है, लाखों लोगों तक जा सकता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता है। फिर भी अगर आप में से किसी को लगे कि ये चीज गलत बोली जा रही है तो आप मुझे बता सकते, मुझे बता देना कि भाई गलत बोल रहे हैं, मैं अपनी गलती मान लूंगा, लेकिन मुझे जो लगा, मैं जो देख रहा हूं फिलहाल, उसके बारे में बोलना पड़ेगा। लोग बोलते नहीं है, सामने आगे दिक्कत है। तो आज मैं उन सभी कंपनी के एचआर में बैठे हुए या कंपनियों में सेफ्टी में या फायर में टॉप पोस्ट जो है, आप लोग मैनेजर पोस्ट जो है, जहां पे आप इंटरव्यू लेते हैं, उस पोस्ट पे अगर पहुंच गए तो प्लीज ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। और बेटा, आप सभी जो कैंडिडेट हैं, जो इस दिक्कत से जूझ रहे हैं, जो अपने सीनियर्स को जानते हैं जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया, उनको टैग कीजिएगा, उनको भेजिएगा ये वीडियो। मैं सीधी डायरेक्टली बात कर रहा हूं सभी से। भाई एक बात बताइए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का राष्ट्रीय भाषा हमारी जो है वो हिंदी है। हर एक गवर्नमेंट प्लांट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, गवर्नमेंट सरकारी इंडस्ट्री के अंदर, हर एक
ऑफिसर की टेबल पे, हर एक दीवार पे, हर एक दरवाजे पे एक छोटी सी चिट लगी मिलती है जिस पे ये लिखा होता है, हिंदी है हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा, हिंदी बोलिए, हिंदी को बढ़ावा दीजिए। साउथ इंडिया में हिंदी नहीं बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, केरल में मलयालम बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही है। और हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है कि हम अपनी ही राष्ट्रभाषा में इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, अपनी ही राष्ट्रभाषा में मैं किसी के सवालों के जवाब नहीं दे सकता हूं, तो ये कहां तक जायज है? इंग्लिश आप और हम सभी जानते हैं भाई, आप बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, जो आप बड़े सीनियर पोस्ट पर, हम सभी की बात कर रहा हूं, आप भी जानते हैं कि इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है, आपके स्टेटस को दिखाने के लिए कि हाँ इंग्लिश, यहाँ क्या हिंदुस्तान में क्या चक्कर हो गया, जिसको इंग्लिश आती है साला वही बड़ा आदमी है, जो इंग्लिश में बात करता है वही बड़ा साहब है, नॉलेजेबल इंसान उसी को माना जाता है जो इंग्लिश में बात करता है या इंग्लिश में आपसे सवाल करता है, इंग्लिश में चीजें मांगता है। इंग्लिश को, अंग्रेजी को स्टेटस सिंबल यहां बना दिया गया है, क्लास डिवाइड होती है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास के साथ हम किस क्लास में आते हैं, और जो हिंदी बोलता है ना वो सबसे लास्ट में थर्ड क्लास या तो फोर्थ क्लास में आता है। क्यों भाई, अपने ही देश में क्या अपनी ही भाषा में हम लोग बात नहीं कर सकते हैं? आप लोग जब इंटरव्यू लेते हैं, यार मुझे एक बात बताइए, मैं एग्जाम्पल के साथ आपसे बात करूंगा कि मैं अभी एक इंटरव्यू ले रहा हूँ और कंस्ट्रक्शन साइट पे, कंस्ट्रक्शन कंपनी में बैठा हूँ, मुझे एक सेफ्टी सुपरवाइजर चाहिए, उससे जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो यहां मैं इंग्लिश घुसेड़ रहा हूं क्योंकि मुझे 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, मैं तो सीनियर हो गया, तो मेरे अंदर वो ईगो या कुछ भी भर गया है। आप सभी जानते हैं कि वो बच्चा अभी जस्ट कॉलेज पास आउट करके आया है, उसको ज्यादा से ज्यादा बेसिक चीजों का ज्ञान हो सकता है, और वो भी आप अंग्रेजी में पूछना शुरू कर दें तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है, डर जाता है, घबरा जाता है, हेजिटेशन उसके अंदर होती है, तो वो बेचारा वैसे ही जवाब नहीं दे पाता, ऊपर से इंग्लिश में पूछ रहे हो तो जो जानता है वो भी बता नहीं पाता, और आपको लगता है कि इसको कुछ नहीं आता है, आप बोलते हैं ठीक आप जा सकते हैं। आपको एक स्किल कैंडिडेट चाहिए या एक अंग्रेज चाहिए? आप एक अंग्रेज चाहते हैं या एक स्किल कैंडिडेट चाहते हैं? मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बैठा हूं, या चलिए आप किसी, हम लोग इंडस्ट्री में बैठे हैं, किसी कंपनी के लिए, किसी फैक्ट्री के लिए मुझे एक सेफ्टी सुपरवाइजर चाहिए, मैं इंटरव्यू लेने नहीं बैठा हूँ, लड़का मेरे सामने आया है, तो आप ही डिसाइड कीजिए कि मैं उसकी नॉलेज, उसकी स्किल टेस्ट करूँ या उसकी अंग्रेजी टेस्ट करूँ। जिन लोगों के लिए उसे मैं नौकरी पे रख रहा हूँ, जिन मजदूरों की सुरक्षा देखने के लिए उसे मैं नौकरी देने वाला हूँ, क्या वो अंग्रेजी में बात करेंगे? क्या वो उनसे अंग्रेजी में कुछ पूछेंगे? क्या वो अंग्रेज हैं? अरे जब अनपढ़ लोगों के लिए, कम पढ़े लिखे लोगों की सुरक्षा देखने का मुझे काम करना है तो मेरे से अंग्रेजी में सवाल क्यों किए जाते हैं? मेरा सवाल ये है भाई, अगर मेरा सवाल गलत है तो मुझे पता है कि इसमें काफी सारी चीजें आएंगी बाद में, लोग कमेंट में ये भी बोलेंगे कि आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना करियर ग्रो करना है, आपको मीटिंग में जाना है, मैनेजर लेवल पे जाना है, तो वहां सारे काम इंग्लिश में होते हैं। मैं वही तो पूछना चाहता हूँ, इंग्लिश में क्यों होते हैं? हिंदुस्तान में होते हुए हिंदी में नहीं हो सकते क्या? जितने फॉर्मेट इंग्लिश में बनाए गए क्या वो हिंदी में नहीं बन सकते? मीटिंग में जो सवाल अंग्रेजी में किए जाते क्या वो हिंदी में नहीं बन सकते? सिर्फ और सिर्फ खोखला एटीट्यूड दिखाने का चक्कर है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो दिखाने की चक्कर में, मैं सीनियर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं अंग्रेजी में बात करूंगा। यार तुम लोग ये अंग्रेजी को भाई, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, जापान में जापानीज बोली जाती है, चीन में चाइनीज बोली जाती है, रशिया में रशियन बोली जाती है, इटली में इटालियन बोली जाती है, गल्फ कंट्रीज में अरबी बोली जाती है। जब सारे देश अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, अपनी भाषा में काम करते हैं, तो आप लोग काहे अंग्रेजों के पीछे पड़े हुए हो भाई? कौआ चला हंस की चाल, साला अपनी भूल गया, आप अंग्रेजी के चक्कर में ना हिंदी रहे हैं ना अंग्रेज हुए हैं, पूरे पूरी अंग्रेजी ढंग से आती नहीं है और हिंदी भूलते जा रहे हैं। कितने सारे हिंदी के ऐसे शब्द बताऊंगा जब मैं कभी बोलता हूं तो बच्चे बोलते हैं ये कौन सा वर्ड है, मतलब उनको कुछ एक वर्ड अंग्रेजी में फिक्स हो गए हैं दिमाग में, उनको पता है, उनको लगता ही नहीं कि वो हिंदी के हैं कि अंग्रेजी के हैं, लेकिन पूरी ढंग से उनको अंग्रेजी भी नहीं आती है।
एक बच्चा जो पैदा होता है ना, पैदा होते हुए अपनी मातृभाषा में वो माँ मम्मा दादा पप्पा के बाद रोटी खाना ये वो सब चीजें सीखता है, और उसको स्कूल में जाने के बाद 5वीं 4थी 6ठी क्लास के बाद एकदम से अंग्रेजी का कायदा ठोक दिया जाता है उसके सर में कि अब बोल दिस इज योर पापा दिस इज योर मॉम वाई। अब हिंदी में जो बोल सकता है ये मेरे पापा हैं ये मेरी मम्मी है और आप उसको समझ सकते हो, तो एक दूसरे देश की लैंग्वेज भाषा जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो मेरे भाई? थोप रहे हो जरूरी है, चलो कोई बात नहीं, आपको लगता है कि इंग्लिश जरूरी है, मुझे लगता है कि इंग्लिश जरूरी है, लेकिन आप उन बच्चों की सोच के देखिए, वो गांव के ग्रामीण माहौल से, अब ग्रामीण माहौल आप समझते हैं कि सिर्फ सरकारी स्कूल नहीं होता है, गांव में भले ही अंग्रेजी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो पढ़ाया वहां भी हिंदी में ही जाता है, टीचर वहां लोकल एरिया के है जो आसपास में 10-12 किलोमीटर का 15 किलोमीटर का एरिया होता है ना, सभी टीचर वहीं से होते हैं तो वो हिंदी में ही बात करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजी को भी हिंदी में ही पढ़ाया जाता है, तो वो बच्चा भी 12वीं क्लास 12 साल स्कूल में निकाल के बेचारे को बड़ी मुश्किल से हर बार अंग्रेजी में ही कम नंबर आते हैं, पास होते हो तो यहां तक तो आ गया है, यहां पे आके उसको कोर्स के दौरान भी हिंदी में पढ़ाया गया है, उसको अंग्रेजी पढ़ाई नहीं गई है, इंटरव्यू के टाइम में तुम लोगों ने उसको अंग्रेजी बोल दी है, वो क्या करेगा? उसका डिप्लोमा डिग्री और पूरे 12 साल की पढ़ाई वहां जीरो हो जाती है जब उसको फेल करके निकाल दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता था, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था। ये कहां तक जायज है भाई? मैं आवाज उठाना चाहूंगा, मुझे पता है कुछ एक लोग साथ में आएंगे बाकी नहीं आएंगे, और यहां हिंदुस्तान में यही होता है भाई, यही होता है, जो आगे बढ़ता है उसकी टांग खींची जाती है, उल्टा सीधा बोला जाता है, सपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन जो भी मेरे ये नीचे ये वीडियो ये लाइव देखने के बाद जो भी कुछ नीचे बोलना चाहे, गलत नेगेटिव बोलना चाहे, मोस्ट वेलकम भाई, आप बोल सकते हो, क्योंकि हर एक को बोलने की आज़ादी है, हर एक को सोचने की आज़ादी है, किसी के लिए बात सही हो सकती है, किसी के लिए गलत हो सकती है, लेकिन जो गलत बोले ना वो मुझे रीजन दीजिएगा, वो रीजन मुझे नहीं चाहिए, वो नीचे जो बच्चे पढ़ेंगे ना जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, जिनकी आवाज़ उठा रहा हूँ, वो पढ़ेंगे, उनको पता चले कि इंग्लिश क्यों जरूरी है, मेरा सवाल यही है, ऊपर मैंने लिख दिया है स्टेटस में, मैंने टैगलाइन में लिखा है ऊपर, फायर एंड सेफ्टी फील्ड में अंग्रेजी को इतना महत्व क्यों? भाई हम ना हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में सोचते भी हिंदी में हैं हम लोग, तो यार एक बात, उस बच्चे से जिसको आप अंग्रेजी की वजह से फेल कर रहे हो, हिंदी में उसकी स्किल टेस्ट करने की कोशिश तो करो, उसको कितना ज्ञान है पूछने की कोशिश तो करो यार, हो सकता है आपको राइट कैंडिडेट मिल जाए, क्योंकि हम हिंदी में जो बात को डिफाइन कर सकते हैं, हिंदी में जिस बात की व्याख्या बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपके सामने उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, अंग्रेजी में उसको नहीं डिफाइन कर सकते उतने अच्छे से, कंफर्टेबल नहीं है हम उस भाषा के लिए जो जबरदस्ती हम हमारे सर पे बिठाई गई है। मैं एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ भाई, मुझे इस बात पे गुस्सा है, मेरे टाइम से 2006 से हम लोगों ने जब करियर शुरू किया था फायर सेफ्टी में, तब से लेके आज तक यही चीज चली आ रही है, भले हिंदी में इंटरव्यू ले लास्ट में बोलेंगे कि अंग्रेजी इंग्लिश नहीं आती है आपको शायद, तो लड़का बोलेगा हाँ सर थोड़ी बहुत आती है। एक बात बताओ मेरे भाई, इंग्लिश में ध्यान से सुनिएगा, एक फायरमैन को फायर फाइटर को या एक सेफ्टी सुपरवाइजर इंग्लिश में क्या काम करना होता है? क्या लेबर से उसको इंग्लिश में टूल बॉक्स मीटिंग करनी होती है? क्या उस सुपरवाइजर से जाके या उसको लेबर के ठेकेदार से जाके इंग्लिश में वार्तालाप करनी होगी? अंग्रेजी में बात करेगा वो, अंग्रेजी में उसको बोलेगा वेयर इज योर हेलमेट वेयर इज योर सेफ्टी बेल्ट, या तो उसको जाके हिंदी में बोलेगा भाई सेफ्टी बेल्ट क्यों नहीं पहने हो? जब भी कोई ट्रेनिंग होगी मीटिंग होगी, अब उन अनपढ़ लोगों से बेचारा जो मजदूर लेवल पे काम करते हैं, हमें क्यों बिठाया जाता है? एक सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम होता है, सेफ्टी सुपरवाइजर का, कि वहां पे जो मजदूर कैटेगरी के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं जो कामगार बंधु होते हैं उनकी सुरक्षा हमें देखनी है, अब उनकी सुरक्षा देखने के लिए उनसे बात करना पड़ेगा, उनके साथ वार्तालाप करना पड़ेगा, और वो हिंदी में ही होता है, वो हिंदी में ही होता है, इंग्लिश में नहीं होता है। हर काम जब हमें हिंदी में करना है तो एक फॉर्मेट कुछ एक होते हैं, कुछ वर्क परमिट के होते हैं, कुछ जॉब सेफ्टी एनालिसिस के होते हैं, कुछ रिस्क असेसमेंट के होते हैं, कुछ चेकलिस्ट के होते हैं, वो इंग्लिश में बना के देते हैं, इंग्लिश में क्यों देते हैं? 15 साल से चीज देख रहा हूं लेकिन पहले बोल नहीं पाया, आज समय है बोलना पड़ेगा, आज भी नहीं बोलेंगे कभी नहीं बोलेंगे, आज मैं बोल रहा हूँ कल को 10 लड़के और बोलेंगे लाइव आके इस बात के बारे में अगर सही लगेगी तो क्या वो फॉर्मेट, क्या वो फॉर्म या वो चेकलिस्ट हम हिंदी में नहीं बना सकते?
हिंदी को भी तो इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो ना आप लोग, तो उसको हिंदी में ही रहने दो ना भाई। ये इंग्लिश को क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है यार, जो भाषा हमारी है ही नहीं। अंग्रेजों ने, आप भी जानते हम भी जानते, अंग्रेजों ने इस भाषा को कंपलसरी क्यों किया था? उनको नौकर चाहिए थे, उनको ऐसे नौकर चाहिए थे जो उनकी बात सुने और उनके कहने पे चले और उनके कहे अनुसार काम करें और ज्यादा बात ना करें। इसके लिए उनको हिंदी नहीं आती थी, हमें अंग्रेजी नहीं आती थी, उन लोगों ने अंग्रेजी पढ़ाना चालू किया। जिसको अंग्रेजी आ गया उसी साले को उन्होंने नौकरी दे दी, और जिसका खाना खाते हैं उसी का गुणगान करते हैं। हमारी मजबूरी हो गई, अंग्रेजी में जिनसे बात करते, जिनकी नौकरी करते, उन्हीं का काम करना पड़ता था। लेकिन वो कब के छोड़ के चले गए यार, 47 में चले गए वो, बहुत लंबा हो गया, दशक हो गए कितने यार, हमें आज भी क्यों उसी इंग्लिश के पीछे पड़े भाई। प्लीज स्कूल देखो, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलना मेरी औकात से बाहर है। मैं एक छोटा सा अंश हूं इस देश का, शायद छोटे से अंशों में से भी बहुत सारे जो मिनी पार्टिकल्स होते हैं उसमें से एक पार्टिकल्स हूं, तो उसमें पार्टिकल में इतना बड़ा मैं नहीं हूं कि किसी संस्था से या किसी एजुकेशन सिस्टम से या किसी बड़ी सरकार से हम लड़ सके। लेकिन फॉरेन सेफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं कि इस फील्ड के अंदर मैं खड़ा हूं, तो इस फील्ड के बच्चे मेरे से शिकायत करते हैं, मेरे से वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, उनकी आवाज को उठाना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। तो इतनी इंग्लिश जो 12वीं क्लास पास करके आ गया, ध्यान दीजिए, जो बच्चा 12 साल स्कूल में पढ़ के आया है, इतनी इंग्लिश तो उसको सिखाई गई है। भले ही वो नकल मार के पास हुआ है, लेकिन नकल भी जब उसने मारी ना, तो लिखा इंग्लिश में ही है, वहां पे उसने पढ़ के ही लिखा, देख के लिखा, उसको मालूम है स्पेलिंग क्या है। इतना तो हर बच्चा जानता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं और क्या मुझे लिखना है। बोल नहीं पाते हैं, हमारी जीभ हमारा साथ नहीं देती है अंग्रेजी बोलते टाइम। तो मजबूर मत कीजिए अंग्रेजी बोलने के लिए, आप स्किल पे ध्यान दीजिए बच्चे की, आप उसका टैलेंट पहचानिए, उसे अंग्रेजी के साथ मत तोलिए। अंग्रेजी की बजाय अगर आप उसके स्किल को, उसकी क्वालिफिकेशन को, उसकी एजुकेशन को तोलना शुरू करेंगे, तो आप लोगों को राइट कैंडिडेट मिलना शुरू हो जाएंगे, और गरीब बच्चों को जो अंग्रेजी की वजह से आगे नहीं बढ़ते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक कैरियर मिल जाएगा। प्लीज हाथ जोड़ के सबसे विनती है, अंग्रेजी को छोड़िए, हिंदी में सवाल पूछना चालू कर दीजिए। फिर भी मेरी बात किसी को गलत लगती है, विदेश में जाना चाहते हैं आप, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं आप, गल्फ कंट्री में आप जाते हैं, बताइए आप लोगों को, हिंदुस्तान के किसी लड़के को वहां पे सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर की नौकरी वो कंपनियां क्यों देती है? आपको लगता है कि वो वहां पे शेख लोग जो इतनी अरबों की कंपनी बना रहे हैं, क्या वो मजदूरी कर रहे होंगे वहां पे? मजदूर भी हमारे हिंदुस्तान से ही जाते हैं, कम पढ़े लिखे लोग, या तो बिल्कुल बेरोजगार लोग, बिल्कुल अनएजुकेटेड, बिल्कुल ही बिना पढ़े लिखे लोग वहां पे जाते हैं, और उन्हीं की सेफ्टी देखने के लिए हिंदुस्तान के ही किसी लड़के को सेफ्टी सुपरवाइजर या ऑफिसर बना के वहां ले जाया जाता है। तो मैं तो नहीं मानता कि उसमें भी हमें बहुत ज्यादा अंग्रेजी की जरूरत है या बिल्कुल अंग्रेजी में पारंगत होने की आवश्यकता है। सामने वाला क्या बोल रहा है हम समझ जाएं, उसने जो फॉर्म दिया उस पे क्या लिखा उतना समझ जाएं, और उसके नीचे क्या लिखना है उतना समझ जाएं, इतना इंग्लिश काफी होता है। और इतनी इंग्लिश तो 100% नहीं तो 90% कैंडिडेट जो 10वीं से 12वीं क्लास पास कर लेते हैं, स्कूल में 12 साल बिता देते हैं, उन सभी को इतनी इंग्लिश तो आती है। शायद मैं ज्यादा लंबी हो गई है एक ही बात पे, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी था। और प्लीज फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करता, सभी कंपनी के एचआर को, या आप लोगों ने जहां से फेलियर को फेस किया है वहां इसे वीडियो को भेजेंगे, टैग करेंगे, उन सभी ऑफिसर्स तक इन वीडियो को पहुंचाइए, मेरी रिक्वेस्ट है सभी से। और आप जो सीनियर लेवल पे हैं भाई, आपसे तो पहले ही हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि प्लीज आप बच्चों को भाषा में मत तोलिए, उन्हें क्या आता है आप वो जानने की कोशिश कीजिए। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो आपका हक है, आपका अधिकार है, आप उसे फेल कर सकते हैं, आप उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं, आप उसको इंटरव्यू में फेल करके वापस घर भेज सकते हैं, लेकिन कम से कम जानने की कोशिश तो कीजिए कि उसे आता क्या है। और उसको जो आता है वो लड़का तभी बता पाएगा जब हिंदी में आप उससे सवाल करेंगे, हिंदी में आप जानने की कोशिश करेंगे कि उसको क्या आता है और कितना आता है। काफी हो गया, इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। जो बुद्धिजीवी लोग मेरी बात को सही समझते हैं वो प्लीज आगे बढ़ाइए,
और जो उनसे भी ज़्यादा बड़े बुद्धिजीवी मेरी बात को गलत समझते हैं, वो रीजन के साथ मुझे बताइए कि इस बात में गलत क्या है। मैं नहीं जानना चाहूँगा, मेरे बाकी स्टूडेंट साथी जो जिनकी आवाज़ मैं यहाँ उठा रहा हूँ उनको पता चल जाएगा इस बात का। चलिए, नमस्कार।